आदाब आदाब नमस्कार। अफसाने के सौरंग की इस महफिल में एक बार फिर आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। आज मैं आपको मोहतरमा जीरानी बानो का एक अफसाना सुनाने जा रहा हूँ। जीरानी बानो की पैदाइश सन 1936 में बदायूं यूपी में हुई थी और उनकी मशहूर तख्लीकात में से सम चंद तख्लीकात हैं: रोशनी के मीनार, निर्वाण, पराया घर, ऐवान गज़ल, जुगनू और सितारे। उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड, यूपी उर्दू एकेडमी अवार्ड, आंध्र प्रदेश एकेडमी अवार्ड और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से नवाजा गया। तो आइए, आज मैं आपको आपको सुना रहा हूँ जीरानी बानो का अफसाना, जिसका उन्वान है अद्दू। जी हाँ, अद्दू। आज अद्दू अचानक बहुत बड़ा और सबसे अहम बन गया, जैसे पत्थर अपनों से कटकर खुदा बन जाता है। अद्दू को भी आज दुनिया की हर चीज़ हकीर और नाकाबिले तस्खीर नज़र आ रही थी, क्योंकि आज वो अपने आप को साहब की तरह ऊंचा महसूस कर रहा था। आज उसकी जेब में एक रुपया था, सचमुच का एक रुपया। इसीलिए तो जेब की तरफ से वो एक तरफ को झुक गया था। आज उसे मालूम हुआ कि हवाई जहाज़ अपने आप बगैर किसी डोर के सहारे आसमान पर कैसे उड़ता है, साहब की मोटर कैसे जन से चल निकलती है और सर्कस में पहलवान कैसे हाथी को अपने सीने पर खड़ा कर लेता है। ये सब पैसे का कसबल है मियाँ, उसका चचा मस्तान ठीक कहता था। इसी वजह से आज अद्दू भी बाजार में यूँ चल रहा था जैसे उसकी टांगें दो बांस ऊपर हो गई हों और नीचे की गरीब मखलूक को वो रौनता हुआ गुजर रहा हो। फुटपाथ के हर खौंचा फरोश से उसने पूछा, गाजरें कितने में दोगे, केले कितने में दोगे, सीताफल रुपए में कितने दोगे, एक रुपए वाली आइसक्रीम है। इन सब चीज़ों के नाम पूछकर उसके दिल में एक ऐसी ठंडक हो गई जैसे उसने एक रुपए वाली आइसक्रीम का पूरा ग्लास खा लिया हो। अक्सर वो जब बेगम साहिबा के साथ बाजार जाता तो उसे सख्त ताज्जुब होता कि इतने संतरे, आइसक्रीम, चाट और मिठाइयाँ बिक रही हैं, मगर पर्स में रुपए रखने के बावजूद बेगम साहिबा का दिल क्यों नहीं चाहता कि ये सब चीज़ें खा लें। वो भी एक रुपये में दुनिया भर का हर जायका चख सकता था, हर चीज़ खरीद सकता था, फिर बेसब्रापन क्यों करे। पहले वो भी तमाम नदीदे बच्चों की तरह सोचा करता था कि कहीं से एक रुपया मिल जाए तो मिनट भर में खा पी डाले। मगर दौलत इंसान को बुर्दबारी भी सिखा देती है। उसने रुपया जेब में रखा तो बड़ा मुतमईन सा हो गया। रोज़ की तरह आज भी बेगम साहिबा ने लात मारकर उसे उठाया तो अद्दू को क्या मालूम था कि आज का सूरज अद्दू की किस्मत बदलने वाला है। ये सब झूठ ना बोलने का नतीजा था। मौलवी साहब के कहने पर उसने कभी झूठ ना बोलने की कसम खाई थी, अपने दिल से वादा किया था कि कभी चोरी ना करेगा। जब कभी उसका दिल किसी चीज़ के लिए ललचाता तो वो धड़कते दिल से अलिफ लाम मीम का सिपारा उठाकर चूम लेता, बस फौरन सुकून मिल जाता। मौलवी साहब कहते कि जन्नत के दरवाजे चोरी ना करने वालों के लिए खुले रहेंगे, वो जिन्होंने चोरी नहीं की झूठ नहीं बोले। अद्दू के पसीने और मैल में डूबे हुए कपड़ों से अचानक जन्नतुल फिरदौस के इत्र की खुशबू आने लगी। ये दुनिया तो सराय फानी है, जो भी तकलीफ़ें हैं पल भर में ख़त्म हो जाएंगी और फिर नेक दिल इंसानों के लिए फरिश्ते
जन्नत के दरवाज़े खोल देंगे। जब सिद्दीक और शफीक मौलवी साहब से कुरान शरीफ पढ़ते थे तो अद्दू दूर बैठा मौलवी साहब की सारी बातें अपने दिल में उतार लेता। हालांकि सिद्दीक और शफीक को मौलवी साहब की सारी बातें याद रहती थीं न सबक। कितनी बार खोंचे में रखे हुए फलों ने उसे इशारा किया, मेज़ पर रखी हुई मिठाइयों ने उसे बुलाया। बेगम साहिबा के पानदान से अठन्नी चवन्नी गिर गई तो उसने झाड़ू देते वक्त यूं उठाई जैसे जलता हुआ अंगारा छू लिया हो। भला एक चवन्नी की खातिर दोजा का अजाब कौन मोल लेगा। रात को जब थकत के मारे नींद ना आती तो वो सोचता ईद कब आएगी। ईद के दिन साहब एक अठन्नी ज़रूर देंगे। बेगम साहिबा तो चवन्नी से ज़्यादा कभी नहीं देती, शायद छोटे मियाँ भी एक चवन्नी दे दें या एक रुपया हो जाएगा। 8 की आइसक्रीम, 10 पैसे के चने, 4 आने का शरबत। अरे नहीं, इतना चटोरपन ठीक नहीं है। वो रुपया मैं आपा की मुन्नी को दे आऊँगा। आपा बेचारी ससुराल में कितनी दुबली हो गई है। एक बार वो 5 मील चलकर आपा के घर गया था तो आपा उसे देखकर बिल्कुल खुश ना हुई। एक कोने में ले जाकर बोली, अद्दू तुम यहाँ मत आया करो, मेरी सास ताने देती है कि मामू क्या लाया है मुन्नी के लिए। बस तो अब की ईद पर मुन्नी को 1 रुपया दे आऊँगा, आपा खुश हो जाएगी। मगर रुपये की भनक कान में पड़ते ही अम्मा सर पर खड़ी हो जाती है, बहुत रोने धोने पर शायद 10 पैसे दे दे। बहुत दिन हो गए साहब ने कहा था कि अद्दू को 1 चवन्नी देंगे, क्योंकि वो रोज़ सुबह उनकी कार को आधा मील तक धक्का देता था, फिर कार के स्टार्ट होते ही वो जन से चले जाते और चवन्नी की बात दूसरे दिन पटल जाती। आज भी वो साहब की कार ढकेलते हाँप रहा था तो सोचा कि आज चवन्नी की बात क्या साहब को याद दिला दूँ, मगर साहब को शायद खुद ही याद आ गया। उन्होंने पर्स निकाला और चवन्नी ढूंढी, ना मिली तो पर्स बंद करके जेब में रखा और कार स्टार्ट कर दी। अपने मैले हाथों को दबाते हुए अद्दू हाँपने लगा। रोज कार ढकेलने से उसके सीने में दर्द होने लगा था। गेट की तरफ मुड़ते ही उसकी नज़र ज़मीन पर गई और वो तेज़ी से उधर झपटा। उसकी मुट्ठी में 1 रुपये का करारा नोट था, सचमुच का नोट। खौफ और खुशी के मारे वो कांपने लगा। रुपये का नोट इतना वज़नी था कि वो रुपये समेत एक कदम भी ना उठा सका। जिनके पास बहुत से रुपए होते हैं वो जाने कैसे इस अजाब में गिरफ्तार होंगे, अद्दू ने बड़े दुख से सोचा। अब साहब की कार चौराहे से गुड़ चुकी थी और खुले हुए गेट के बाहर कोई नहीं था। रुपया हाथ में आते ही अद्दू अंदेशों और खतरों में घिर गया। वो एक रुपये की दौलत समेटे अकेला था और सारी दुनिया लुटेरों से भरी हुई थी। बोझल पैरों को घसीटता हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता बाजार की सिम जाने लगा और फिर फुटपाथ पर बैठकर गौर से रुपए को देखने लगा। उसे दबा दबा कर तय किया, एक कागज़ में लपेटा और एहतियात से जेब में रख लिया। अब उसमें एक दौलतमंद इंसान की सूझबूझ आ चुकी थी। अब उसके मुँह में ना जाने कितनी चीज़ों का जायका घुल रहा था और खौफ की धुंध चारों तरफ फैल रही थी। चाऊस की दुकान पर एक लड़की नारियल खरीद रही थी। मुझे भी 1 रुपये का नारियल देना, मगर ग्राहकों की भीड़ में चाऊस ने उसकी बात नहीं सुनी। अच्छा ही हुआ, अगर वो उस रुपये का नारियल खा लेता तो कयामत के रोज़ अल्लाह मियाँ उसके हाथों पर अंगारे रख देते। अंगारे की जलन से घबरा कर उसने हाथ खींचा तो रुपया नीचे गिर गया। जल्दी से उठाकर फिर एक बार नोट को गौर से देखा। रुपये पर 3 शेरों की तस्वीर बनी थी।
जैसे वो शेर पहरा दे रहे हो कि इस रुपए को कोई बेईमानी से चुरा ना ले। पास से एक आदमी गुजरा तो उसने बड़े गौर से अद्दू को देखा, जैसे पहचान लिया हो कि वो चोर है, कहीं पुलिस को इतला ना दे दे, हथकड़ी पहनकर थाने जाना पड़ेगा। वो खौफ से लरजने लगा, अल्लाह मियाँ मुझे बचा ले, मेरे मौला बुला ले मदीने मुझे, मगर चोरी करके मदीने जाएगा बेशर्म, लानत है तुझ पर अद्दू के बच्चे। ये लो, ये तो घर वाली गली आ गई, अम्मा पूछेगी रुपया कहाँ से आया, झूठ बोलना पड़ेगा, चोरी और झूठ। खौफ के मारे वो लरजने लगा। लो 11 बज गए, बेगम साहिबा चिल्ला रही होंगी कि आज अद्दू कहाँ मर गया, गोश्त तरकारी कौन लाएगा, झाड़ू कौन देगा, कपड़े कौन धोएगा, बच्चों का टिफ़िन लेकर स्कूल कौन जाएगा। वो यूं सरपट भागा जैसे बेगम साहिबा की आवाज़ सुन ली हो। बेगम साहिबा की याद करके उसका अच्छा खासा काम बिगड़ गया, और बेगम साहिबा ने उसका नाम भी बिगाड़ दिया था। उसका नाम तो आदम अली ख़ान था, मगर इंसानों ने आदम के नाम की जिस तरह तजलील की है, अद्दू भी उससे ना बच सका। उसके नाम के भी सारे फूल पत्ते झड़ गए और वो निरा अद्दू रह गया। अब मैं ये रुपया आपा की मुन्नी को दे आऊँगा, आपा खुश हो जाएगी, मुमकिन है दाल चावल भी खिला दे, अब तो भूख लग रही है। आधा दिन गुजर गया, आज नाश्ता भी नहीं किया, मगर आपा की ससुराल 5 मील दूर थी, पांव दुख जाएंगे, फिर भी वो चलता रहा। मुन्नी को रुपया देने की खुशी में गरम सड़क पर पांव जल रहे थे, इस रुपए की चप्पल खरीद लूँ, पुरानी चप्पल है मोची 1 रुपए में दे देता है, मगर फिर आइसक्रीम कैसे खाऊंगा। एक ठेले में पक्के मोज बिक रहे थे, बहुत दिनों से उसका जी चाह रहा था खाने को, जल्दी से उसने एक मोज खरीद लिया। फिर जब ठेले वाले ने एक अठन्नी और एक चवन्नी वापस की तो अद्दू का दिल धक से हो गया। लो रुपया ख़त्म, सिर्फ एक अठन्नी और चवन्नी रह गई, नहीं चाहिए मुझे मोज। उसने जल्दी से मोज ठेले में रख दिया और अपना रुपया मुट्ठी में दबा लिया। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा ईमान बच गया, मोज खा लेता तो अठन्नी अम्मा छीन लेती, और कयामत के दिन कोई अम्मा अपने बच्चों को नहीं पहचानेगी, हर शख्स के गुनाहों का बोझ उसकी गर्दन पर होगा। अम्मा भी अठन्नी के चावल लाकर पकाएगी और दोजख के सांप बिच्छू बुझे काटेंगे। अब आपा का घर सामने नजर आ रहा था, वो अपने झोपड़ी के सामने बैठी मुन्नी के सर में जुएं देख रही थी। मुन्नी को सामने देखकर वो खुशी के मारे दौड़ने लगा, मगर रुपया मुन्नी को देकर भी दोजख का अजाब तो बटोरना पड़ेगा। वो ठहर गया, प्यास और भूख के मारे हलक खुश्क हो रहा था। सामने होटल के ऊपर बड़ी फैंटा की बोतल बनी थी, जिससे मीठे ठंडे ठंडे शरबत की धार धार टपक रही थी। कितना मज़ा आएगा ये शरबत पीकर। अद्दू ने मुट्ठी में दबाया हुआ रुपया गौर से देखा, मगर वो रुपया आईना बन गया जिसमें दोजख के शोले उसकी तरफ लपक रहे थे। निढाल थका हुआ, दोजख की आँच में सुलगता हुआ, भूखा प्यासा अद्दू आहिस्ता आहिस्ता लौटने लगा, आपा और मुन्नी से मिले बगैर। अबे अद्दू, अद्दू के बच्चे, आज सुबह से कहाँ गायब है तू, तेरी बेगम साहिबा खफा हो रही हैं, पड़ोस की मामा ने उसे देखकर पुकारा। घबरा के अद्दू रुपया जेब में डालने लगा तो वो करीब आई। क्या तू बंगले से कुछ चुरा कर भागा है, मामा तशवीश भरे अंदाज में उसे देखने लगी। नहीं तो मैं चोरी क्यों करूंगा, उसने मामा को टाल दिया, मगर आंसू दबकर थमने को तैयार नहीं हुए।
कहीं बेगम साहिबा को भी मालूम हो गया कि वो रुपया चुरा कर भागा था। तो वो पुलिस को बुला लेंगी, लोग उसे चोर चोर पुकारेंगे, वो अभी जाकर रुपया बेगम साहिबा को दे देगा। बेगम साहिबा खुश हो जाएंगी, सारे मोहल्ले में उसकी ईमानदारी की चर्चे होंगे, मोहल्ले के दूसरे नौकरों को उसकी मिसालें दी जाएंगी और फिर जन्नत के दरवाजे उसके सामने खुलने लगे। मरे मरे कदमों से वो फाटक में दाखिल हुआ। उसकी आमद की इत्तला पहले ही पहुंचा दी गई और सारे मोहल्ले की लौंडियां बेगम साहिबा की अदालत में उसके मुकदमे का फैसला सुनने को इकट्ठा हो चुकी थी। सुबह गेट के पास पड़ा मिला था, मैल और पसीने में भीगा हुआ रुपया उसने बेगम साहिबा के सामने रखा। वो वरांडे में कुर्सी पर लेटी अखबार देख रही थी। अखबार रखकर उन्होंने अद्धू को घूरा और धम से उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारकर बोली, चोट्टे सचमुच बता, तूने आज और कितने रुपए चुराए हैं जिनसे सारा दिन गुलछर्रे उड़ाता रहा। तो ये थी जीलानी बानो की कहानी अद्दू। कल फिर आऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।